जिला शहडोल अंतर्गत पपौन थाना क्षेत्र में हाथियों का झुंड छतवा के जंगलों में देखा गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पपौन एवं वन विभाग अमला ने तत्परता दिखाई और अपने समस्त दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामवासियों की मदद से 24 घंटे के अंदर जंगलों में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। महज 24 घंटे में ही हाथियों के झुंड को क्षेत्र के बाहर सोन नदी पार उमरिया डिस्ट्रिक्ट के जंगलों तक खदेड़ दिया गया। थाना प्रभारी एवं उनकी टीम साथ में वन विभाग के द्वारा किया गया कार्य बहुत ही सराहनीय है। गनीमत रही कि क्षेत्र में हाथियों द्वारा कोई जनधन की हानि नहीं हुई। आदर्श न्यूज शहडोल से जिला ब्यूरो चीफ सतीश कुमार नामदेव की खास रिपोर्ट। अप्रैल को सुबह सूचना मिली थी कि हाथियों का झुंड ग्राम छतवा के जंगल में है, जो श्रीमान एडीजी सर, एसपी सर, एडिशनल सर और एसडीपी सर के निर्देश में उन पर सतत निगरानी पुलिस एवं फॉरेस्ट विभाग द्वारा रखी जा रही थी और ग्रामीणों को ये बार बार हिदायत दी गई थी कि कच्चे मकान में ना रुकें और रात को जंगल की तरफ ना जाएं। और उसका हाथियों का ट्रैक किया गया तो 20 तारीख को छतवा से जमुनिया होते हुए महादेवा के जंगल में आए। उसके बाद ग्रामीणों को समझाइश दी गई कि कोई शोर ना करें, हाथियों को अपने रास्ते से जाने दें। तो हाथियों के झुंड रात करीब 2 बजे 21 तारीख को सोन नदी पार करके उमरिया के पनपता रेंज के जंगल में सुरक्षित पहुंच गए। अभी वर्तमान में फॉरेस्ट विभाग से हम लगातार संपर्क में हैं, जो उनके द्वारा बताया गया कि पनपता रेंज में है और फिर भी निगरानी रखी जा रही है, वापस भी आ सकते हैं, तो हम लोग अभी सतत निगरानी रखे हुए हैं। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।